स्टैंडर्ड फोर्थ में देखिए एनवी का चैप्टर नंबर 8 हमारा रिया रीज अंकल होम। रिया जो है अपने अंकल के घर आ गई, पहुंच गई। ठीक है, तो देखिए रिया जो है अपने अंकल के घर पहुंच गई, उसके बारे में उसने पूरा बताया है। फर्स्ट आपको देखो क्लॉक भी दिखाई है, 10:25 हो रहा है, 29 मई था और नाइट। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वी रीच्ड वापी। बहुत लंबी यात्रा के बाद हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची, वापी में। मामा होम इज नियर बाय द स्टेशन। मामा का घर जो था हमारा स्टेशन के पास में ही था। सो ही केम टू पिक अस अप, इसलिए वो हमें पिकअप करने आए थे लेने के लिए। श्रील एंड अर्नब आल्सो केम विद मामा, और श्रील और अर्नब वो भी हमारे मामा के साथ आए थे। दे आर बाई मामी चाइल्ड, वो मेरे मामा जी के बच्चे हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमक्ष ही वी हग्ड ईच अदर, तो वो हम लोगों को देख के बहुत खुश हुए, हम एक दूसरे को हग भी किए। आगे वी हाइड टू रिक्शा ऑटो रिक्शा फ्रॉम द स्टेशन टू रीच मामा हाउस। मामा के घर पे जाने के लिए हमने स्टेशन से दो रिक्शा किया। आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, मुझे ऐसा नींद जैसा फील हो रहा था, मतलब नींद आ रही थी। आई स्लेप्ड आफ्टर सम टाइम, मदर वोक मी, फिर मैं जाके सो गई, थोड़ी देर बाद उठी। पेरेंट्स टुक बाथ एंड गट रेडी, सब मेरे मम्मी पापा सब नहा धो लिए, सब रेडी हो गए। हिमक्ष एंड आई आल्सो टुक बाथ एंड गॉट रेडी, हम भी नहा लिए, हम भी रेडी हो गए। देयर आफ्टर वी सेट टुगेदर एंड हैड अवर मील। मामा सेट टेक रेस्ट फॉर सम टाइम देन वी विल गो टू दमन। मामा ने कहा चलो, फिर हमने सबने खाना खाया और फिर मामा ने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद हम सब कहाँ जाएंगे, दमन चलते हैं घूमने के लिए। तो ये देखो, ये वापी स्टेशन भी दिखाया हुआ है, आप पिक्चर में देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट ऑटो रिक्शा दिखाया है। नेक्स्ट वी गॉट रेडी टू गो टू दमन, हम सब दमन जाने के लिए रेडी हो गए। मामा फैमिली वाज आल्सो गोइंग टू कम विद अस, मामा की फैमिली भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी थी। वी रीच्ड बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा, हम ऑटो रिक्शा के द्वारा कहाँ पहुँचे, बस स्टेशन पहुँचे। फ्रॉम देयर वाय बस वी रीच्ड ए झम्पर बीच ऑफ दमन, तो फिर हमें बस जाके यम्पर बीच में दमन के पास छोड़ दिया। देयर वॉज ए क्राउड ऑन द बीच, बीच में बहुत सारा क्राउड था। देखो इधर दमन का पिक्चर भी दिखाया है, समुंदर है और पास में देखो बच्चे वगैरह बैठे हैं, खेल रहे हैं। पीपल हैड कम फॉर फन एट सीहोर, बच्चे लोग जो थे उधर, लोग बहुत सारे शोर जैसा मौज मस्ती कर रहे थे। सम पीपल वर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट, कुछ सेल भी कर रहे थे बोट में। सम वेयर राइडिंग ऑन द हॉर्स, कुछ हॉर्स में राइड कर रहे थे घुड़सवारी। एंड सम वेयर ऑन द कैमल, और कुछ कैमल में घुड़सवारी, कैमल में बैठ के सवारी कर रहे थे। लिटिल चिल्ड्रन वर मेकिंग सैंड हाउस एट सी हॉर्स, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं रेती से खेल रहे थे। आई रियली इन्जॉय बाय सीइंग ऑल दिस, मैं ये सब देख के बहुत खुश हुई। हिमांग श्रील अर्नम एंड आई आल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस, हम लोग भी मिट्टी का घर बनाने लगे, सैंड का, रेती का। वी इन्जॉय लॉट प्लेइंग इन सैंड, हमने भी बहुत इंजॉय किया सैंड में खेलने का। मीन वाइल मामा वाउड टिकट फॉर द बोट, फिर मामा ने टिकट खरीदा किसके लिए, बोट के लिए। ये देखो बोट में पिक्चर भी दिखाया है। वी सेल्ड अक्रॉस द सी इन द बोट, फिर हम लोग भी बोट में सेलिंग किए। फर्स्ट आई वॉज एफ्रेड टू गेट इन द बोट, पहले तो मुझे डर लग रहा था बोट में बैठने का। आई सेट नेक्स्ट टू माई मदर, फिर उसके बाद वी इंजॉय बोटिंग इन द सी, फिर मुझे बहुत मजा आने लगा बोटिंग में, समुंदर में। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर ए हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, फिर उसके बाद में मैंने हॉर्स और कैमल राइडिंग भी की। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स वाई एट द शोर, फिर हमने जाके उधर स्नैक्स वगैरह भी। नेक्स्ट देखिए, नो इट वॉज इवनिंग, फिर शाम का टाइम हो चुका था। इट सीम्ड एज इफ द सन वॉज सिंकिंग इन द सी वाटर, सूरज जो था कैसा दिख रहा था पानी में, शाइनिंग दे रहा था। द स्काई वॉज लुक कलरफुल, एकदम कलरफुल दिख रहा था स्काई। वी टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज एट सी हॉर, फिर मैंने उधर से बहुत सारे फोटो और वीडियो भी लिए। इट वॉज डार्क, फिर थोड़ा अंधेरा जैसा हो गया। वी कम बैक टू मामा हाउस, फिर हम वापस मामा के घर पे आ गए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल, मेरी जो जर्नी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल थी, ये बहुत ही यादगार थी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपको इधर आप कहीं जाते हैं उसके लिए लिख सकते हैं, ट्रेन का नंबर, कौन सी डेट पे आपने जर्नी की, आपका सीट नंबर क्या था, आपका कितना किराया था, कितना डिस्टेंस था, कितने पीपल उसमें ट्रैवल कर रहे थे। ये देखो ऐसे टिकट दिया रहते हैं ना, या आपके पास भी, आप भी ट्रेन में जाते हैं तो आपको ये टिकट मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये
स्टेशनों के नाम हैं और कौन सी ट्रेन कितने बजे वो करती है उसके भी आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। आपका लेसन ख़त्म। थैंक यू।